अतिथि प्रज्ञापीठाधीश्वर साक्षी विभानंद गिरी जी को हमने 7 बजे का समय दिया था। कभी कभी बिन मांगे मोती मिल जाती, और आज हमें ऐसा ही कुछ हुआ, हमें 7:45 बजे साध्वी जी के दर्शन हो गए। तो एक बार उस दर्शन के लिए हम कर्तव्य मंडल से अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। प्रज्ञापीठाधीश्वर साध्वी विभानंद जी जो साधिका है, जिन्होंने धर्म अध्यात्म संस्कृति साहित्य समाज आदि विविध विधाओं में न केवल आराधना और साधना की है, अपितु तदनुसार मानव कल्याण के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो हम उनको हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं। जबलपुर से कुछ दूर स्थित लगभग 40 किलोमीटर दूर कटंगी, और कटंगी में विश्व के एकमात्र सबसे बड़े बागेश्वर के शिवलिंग स्थापित किए हैं, और वो शिवलिंग प्रज्ञापीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के कर कमलों से स्थापित हुए। शिवलिंग की विशेषता है कि जब आप शिवलिंग के दर्शन करेंगे, वहाँ आराधना करेंगे, साधना करेंगे, और कुछ नहीं, अगर आपने श्रद्धा भक्ति और भावना से भगवान शिव के चरणों में, पारदेश्वर जी के चरणों में केवल और केवल बेलपत्री अर्पित करके अपने संकल्प को वहाँ अभिव्यक्त कर दिया, तो आप देखेंगे 6 माह की अवधि में आपकी साधनाएं जैसे जैसे शिवलिंग से उनके आभा से जुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। तो एक सबसे पहले आयोजन को प्रारंभ करें, हम ज्योतिर्लिंग पारदेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करते हैं, और ये भी प्रणाम अर्पित करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, हम सबके अंतर से दुखों को दूर करें, सुख समृद्धि यश वैभव से हम सबको जोड़े। इस भाव के साथ आज के इस आयोजन का हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। इस आयोजन में देश के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध साहित्यकार माननीय आचार्य भगवत दुबे जी इस सभागार में है, और एक तरफ साध्वी विभानंद जी है, दूसरी तरफ आचार्य भगवत दुबे है। हम इन सबकी उपस्थिति को परम प्रभु परमात्मा की कृपा की मानते हैं। आज की दैनिक नई दुनिया में आचार्य जी के व्यक्तित्व पर, उनकी रचनात्मकता पर एक छोटा सा व्यक्तित्व दर्शन का अभिमत प्रस्तुत हुआ है। उस अभिमत में शामिल है आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी भी, डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे, हम उनको भी अपने आदर भाव को समर्पित करते हैं। और दैनिक पत्रिका में आज नमन यादव, नमन जी आप आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण कर ले, जबलपुर के युवा कवि नमन यादव संभवतः है वो पीछे है, तो नमन जी का भी एक परिचय उसमें है। हमारे अपने आदमी सज्जन नायक का भी परिचय आज की पत्रिका में प्रस्तुत हुआ है। प्रभा जी प्लीज, नई दुनिया में है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो आप सबका हार्दिक अभिवादन है। संक्षिप्त परिचय केवल 5 मिनट, साध्वी विभा जी से सब परिचित हो जाए, क्योंकि ऐसी आभाएं हमको बहुत कम मिलती है जितने नाम हमको स्मरण है। सम्मानीय अरविंद यादव जी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर हमारे बीच में है, हम उनका हृदय से अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आदरणीय श्रीमती इंदिरा साहू जी अपने स्थल पर खड़े हो जाए। आदरणीय इंदिरा साहू जी जो कि परिवार की है, आदरणीय साहू जी की बहन है, उनका भी अभिवादन है। आनंद साहू जी हमारे बीच में है और उनका भी अभिवादन है। आदरणीय अर्चना मलैया जी मध्य प्रदेश लेखिका संघ की निदेशिका हमारे बीच में उपस्थित हो रही है, अब उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज के इस आयोजन में आशीर्वचन देने, विशिष्ट उद्बोधन देने, कृतियों पर अपनी बात रखने, देश की प्रतिष्ठित कथाकार समीक्षक माननीय डॉक्टर तनुजा चौधरी इस सभागार में है, हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। डॉक्टर कामना औस्तुभ इस सभागार में है। प्रभा विश्वकर्माशील जी जिन्होंने बुंदेली के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य संपादित किए हैं, उनके साथ में डॉक्टर मुकुल तिवारी जी, उनका भी अभिवादन है। आदरणीय चंद्र प्रकाश वैश्य जी, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।
और सुश्री आशा रिचारिया त्रिवेणी की अध्यक्ष है और हम ये मानते हैं हम सबके अध्यक्ष है, केवल त्रिवेणी की नहीं पूरे परिवार की पूरे साहित्य जगत की विदुषी अगर है हमारे बीच में तो वो अध्यक्ष है यशस्वी है, हम उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। कैलाश कुलहानी हमारे बीच में है, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री राजेंद्र मिश्रा जी जो कि अनेकांत तो जबलपुर की विभिन्न संस्थाओं से संपर्क है, उनके बाजू में है माननीय यशु मंथन पाठक पाते हुए अनेकांत तो जबलपुर की विभिन्न संस्थाओं मंथन आदि सभी संस्थाओं से संपर्क और उसके बाजू में आदरणीय यशु मंथन जी आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी आप आगे की पंक्ति में अरविंद यादव जी के साथ बैठने की कृपा करें। संतोष शर्मा जी आप भी संतोष शर्मा जी मंथन संस्था के सम्मानीय संस्थापक और जबलपुर के अनेक रचनात्मक कार्यों को उन्होंने संपादित किया है। आदरणीय श्री गणेश श्रीवास्तव प्यासा जी सशक्त हस्ताक्षर के संस्थापक अध्यक्ष माननीय गणेश जी आगे की पंक्ति में, आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी आगे की पंक्ति में। नमन आपका नाम लिया था फलों अपने स्थल पर और मोबाइल बंद करके रखना, एक बार नमन को आशीर्वाद दे क्योंकि रचनात्मकता निरंतर आगे बढ़े। हमारे बीच में श्री आर एन बहन जी उनका भी हम अभिवादन करते हैं। सम्मानित के जैन दानपति जी हैं उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। आदरणीय प्रकाश मलैया जी जो पीछे की पंक्ति में है हमारे बीच में, सम्मानित कैलाश साहू जी दौर से उपहार यानी कि चर्चित शिव भंडार आइए उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। सम्मानीय इंदु लता मूलकांडे जी आपके प्रति भी आयोजन समिति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती है। आदरणीय श्री प्रदीप साहू जी आपका भी हार्दिक अभिवादन है। हमारे बीच में आदरणीय ओ जी जी आगे की पंक्ति में जाए, आज तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है। आइए आइए आपसे सहयोग ले जबलपुर के राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कला प्रबल के कला साधक आदरणीय श्री एक ऐसा नाम जिन्होंने जबलपुर को कलात्मक धारा से जोड़ा है आदरणीय प्रमोद कुशवाहा जी आगे की पंक्ति में, रुद्राक्ष जी आपकी आगे की पंक्ति में, एक बार सामने तो आ जाए। शंजा दीप्ति ये पूरा कला परिवार हमारे बीच में, ये भी गौरव का विषय है कि हमारे विषय माननीय मिथिलेश नायक जी मिथिले जी एक बार आप तो आगे आए और रत्ना ओछा रत्न जी, ये देखिए जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र मतलब रांची के क्षेत्र के आसपास से आयोजनों में आना बहुत बड़ी बात होती है और वो भी इस विषम वातावरण में। हम प्रणाम अर्पित करते हैं आपको आपकी उपस्थिति। सम्मानित डॉक्टर सलभराम यादव जी इस समागम में है उनका भी हार्दिक अभिवादन है। आदरणीय सलभराम यादव जी अभी अभी हमारे बीच में आभा साहित्य समिति के सम्मानीय संस्थापक और जिन्होंने साहित्य के एक नव विधा पूर्णिका का सृजन किया है, पूर्णिका यानी गजल का एक परिवर्तित स्वरूप उसके प्रणेता और उसके माध्यम से पूरे देश में गजल को नव विधा के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय डॉक्टर सलभनाथ यादव जी उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज के इस आयोजन में बहुत सारे हमारे आदमी जन इस आगाम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे आदमी जन जो इसके पूर्व में पार्टी के आयोजनों में नहीं आए थे। आज हम एक और व्यक्तित्व का उल्लेख करना चाहेंगे, वो व्यक्तित्व और जैसा कि हमने शुरू में ही बोला था कि बिन मांगे मोती मिले, तो आज हमें पौने 7 बजे दीदी जी के दर्शन हो गए। उनके साथ एक व्यक्तित्व और यहाँ इस सभागार में, वो है सम्मानीय श्री संजय मिश्रा जी। मिश्रा सर एक बार आप आ गया, संजय मिश्रा जी के संदर्भ में बताना चाहेंगे संजय भैया एक अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि जिस मार्ग पर आप संचालित हो रहे हैं वो मार्ग मानव कल्याण का मार्ग है। लगभग 23 वर्षों से ग्रह त्याग, किसी भी अन्य किस्म का कोई मोह नहीं, अगर मोह है तो धर्म से, अगर मोह है तो राष्ट्र से, अगर मोह है तो प्रकृति से, अगर मोह है तो माँ भारती से, ऐसे भावों के साथ 23 वर्ष से उन्होंने त्याग दिया पूरा परिवार।
एक त्याग होता है आध्यात्मिकता का जो दीदी जी ने किया, एक होता है माँ भारती के लिए त्याग। और उस माँ भारती के त्याग के साथ साथ अभी 3 मई को प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी विभानंद जी के आशीर्वाद से आप आजीवन संन्यास स्वीकार करेंगे। आपके आध्यात्मिकता का पक्ष अलग हुआ, आपकी माँ भारती की साधना का पक्ष अलग हुआ और साधना का पक्ष अलग हुआ। तो ये बहुआयामी व्यक्तित्व है, एक बार इनके लिए तो हम ताली के साथ पति जी आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत संन्यास धारण करेंगे। ये भी एक गौरव का विषय है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत संन्यास प्रदान करेगी साध्वी विभानंद जी। हमारे जो पंडित जी हैं उनका भी हम हार्दिक अभिवादन अभिनंदन आदरणीय आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी जी उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहेंगे कि प्रज्ञा धाम कटंती में विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। नहीं नहीं, पहले से किया 2007 में, लेकिन अभी उसको नए सिरे से संचालित किया जा रहा है। सच्चिदानंद जी हमारे बीच में प्राचार्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो जो गुरुकुल है वहां पर विद्यार्थियों को पहले खाने और उसके साथ उनको संस्कृत के ज्ञान की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। और सारे विषय, अच्छा संस्कृत के साथ सारे विषय, मतलब जीवन निर्माण के, जीवन के सर्वांगीण विकास के समस्त विषय उनको समर्पित किए जा रहे हैं। तो वो समस्त विषय को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो भी निःशुल्क ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यदि आपके आसपास के परिक्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति है जो अध्ययन कर सकते हैं, उनके परिवार वहाँ पर भेज सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों का हम प्रज्ञा पीठ में हार्दिक साथ 36 से 12 तक आसाम की मां से आदरणीय रामचंद्र साहू जी हमारे बीच में है। और जबलपुर की एक ऐसी टी संस्था यानी कि चाय की संस्था जिसने आसाम चाय का स्वाद हम सबको दिया है, बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन आदरणीय साहू जी। सम्मानित दालचंद्र साहू हमारे बीच में है। आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। आदरणीय रविंद्र नारायण पहल, सम्मानीय श्याम सुंदर सोनी जी जो नैनपुर से हमारे बीच में है, श्री राजेश सिसोदिया जी, श्री निखिल साहू जी जो भोपाल से आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, कैलाश गुलहानी लखनऊ से हमारे बीच में है, संतोष गुलहानी मंडला से आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, आनंद साहू जो कि परिवार के सदस्य हैं रामनगर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, श्री नंद किशोर चौबे जी उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, श्री अभय तिवारी एक नाम और एक ऐसा नाम जो गीतकार है, जो कवि है, जो संगठक है और जो मातृभूमि के लिए समर्पित होकर अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं आदरणीय अभय तिवारी जी, उनके लिए भी हम ताली उत्साह अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। आदरणीय श्री यशोवर्धन पाठक, आदरणीय श्री अरविंद यादव, राजेंद्र मिश्रा, आदरणीय साहू जी, सम्मान्य साधना साहू यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी की जीवन संगिनी उनका भी हार्दिक अभिवादन है। नचिकेता साहू समुद्र कुशल बाद आएंगे नचिकेता और उनके साथ कुमार संभव जी हमारे बीच में इस सफर कार्यक्रम का शुभारंभ। आदरणीय गणेश साहू जी और शकुंतला साहू और इस आयोजन में प्रारंभ से ही हमारे बीच में सहयोग देने वाले आदरणीय रमाकांत गौतम का भी हम हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी विभानंद जी की अनुमति से अक्षय तृतीया, जीवन के अक्षय यश वैभव सुख और समृद्धि की कामना का महापर्व, हम परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन अक्षय यश और वैभव से जुड़ा रहे और परशुराम जयंती के माध्यम से आप अपने अंतस के सत्य तत्व को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके, इन्हीं भावनाओं के साथ आज के आयोजन का शुभारंभ। इस बीच हमारे मध्य देश के प्रतिष्ठित आर्थोपेडिक सर्जन माननीय श्री डॉ
डॉक्टर सुधीर तिवारी जी सभागार में आगे की पंक्ति में वो स्थान ग्रहण करेंगे, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्रलाल साहू जी से कि साध्वी विभानंद की दीदी आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी डॉक्टर तनुजा चौधरी जी के साथ ही प्रज्वलन में प्रभा विश्वकर्मा जी उनको सहयोग करेंगी, उनके साथ सहयोग करेंगी सम्मानीय साधना साहू जी। इस बीच हमारे मध्य माननीय सुभाष शलभ जी सभागार में प्रवेश कर रहे हैं, माननीय विजय नेमा अनुज जी वर्तिका संस्था के यशस्वी संयोजक और सम्मानीय श्री सुभाष शलभ जी जागरण संस्था के संस्थापक। रमाकांत गौतम जी केवल ये पंखा अगर बंद हो सकता है तो कंटेक्ट कर रहा है, केवल इसी को चेक करना। वो डर गया भैया, आवाज नहीं कर रहा, वो बंद हो गया। वो तुम बंद कराओगे तो लोग कट सकते हैं। सजल नायक, सजल जी आज नई दुनिया ने आपको प्रकाशित किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे की पंक्ति में, और आपके साथ नमन वो भी प्रकाशित हुए आज। सच्चिदानंद जी से निवेदन है मंगलाचरण प्रस्तुत करें सम्मानित सच्चिदानंद जी महाराज। हरि ओम सादा सजपाति मद्भूतं प्रिया विंदरस्या काम्यं सानिम मेधा माया सी कुशवाहा जाम मेधान देवा गणा पितर सोपासते ताया माम दिया मेधाया ईश्वर की आराधना से कार्यक्रम का शुभारंभ। और जब हमने परमात्मा की आराधना कर ली तो जिनके माध्यम से हमने परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिला, सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत सत्कार सम्मान, फिर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय अरविंद यादव जी कृपया है, हम सब की ओर से आदरणीय पंडित जी को बुद्धों की माला के साथ अभिनंदित करें, शाल समर्पित करेंगे। इस बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री राजेंद्र मिश्रा, संतोष शर्मा, विजय शर्मा अनुज जी को भी कृपया सामने आ जाए। गणेश प्यासा जी एक बार पंडित जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। शुभारंभ में ईश्वर की आराधना से प्रथम श्रीवास्तव जी और सम्मान्य माधु श्री विमला श्रीवास्तव सभागार में पीछे की पंक्ति में आदरणीय सुशील श्रीवास्तव जी जबलपुर की विभिन्न संस्थाओं के कर्म धारा से जुड़े आदरणीय सुशील भैया का हार्दिक अभिवादन है। और अब करतल ध्वनि से
निवेदन कर रहे हैं आदरणीय श्री यशोवर्धन पाठक, कृपया आप इधर आ जाए और वार्तालाप ना कर आइए 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 तो आए। श्री यशोवर्धन पाठक, विजय नेमा अनिल जी, सुशील श्रीवास्तव जी और सम्मानीय श्री, और इस बीच हमारे मध्य सम्मानीय डॉक्टर महामहु उपाध्याय हरिशंकर दुबे जी इस समाधान में उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर सलभनाथ यादव जी से निवेदन है डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। आइए आइए ना साहू सर, आप थोड़ा सा कवर वो सब कर लेंगे अपनी व्यवस्था से। आइए सम्मानीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को डॉक्टर सलभनाथ यादव मंच पर स्थान दिलाएंगे आचार्य जी के बाजू में, और आप दोनों के बीच में सम्मानीय आइए सर श्री यशोवर्धन पाठक जी और आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी, उनसे निवेदन है कि सम्मानीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी को मंच पर यथावत स्थान दिलाने की अनुकंपा करें। तालियों के साथ हम अभी वातावरण और अभिनंदन करेंगे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी का। आज हम सब इन्हीं के कारण इस समाधान में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी एक नेत्र विशेषज्ञ, और नेत्र विशेषज्ञ के साथ इन्होंने जमीन से जुड़कर सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के नागरिकों को, वहां के निवासियों को नेत्र सुख दिया जा सकता है, वो व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी ने की। संपूर्ण जीवन नैतिकता, निष्ठा, ईमानदारी, समर्पणशीलता और त्याग के साथ अपने दायित्वों का आपने निर्वहन किया। एक बार तालियों के साथ हम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और जब हम सुरेंद्र जी की बात कर रहे थे तो सबसे चेहरे पर प्रथम स्नेही मुस्कान थी सम्मानित डॉक्टर सुधीर तिवारी जी की। एक मानवीयता चिकित्सक जो मानवता को समर्पित होते हैं, चिकित्सक जिनके माध्यम से मनुष्य की मानवीय धाराएं जुड़ी होती है और उनको नवजीवन मिलता है। परम प्रभु परमात्मा के बाद अगर अस्वस्थता होती है तो हम जिनकी आराधना करते हैं वो होते हैं चिकित्सक। तो आज हम चिकित्सकों के लिए भी एक बार तालियों के साथ अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। साहू जी के पास तो केवल दो है, यानी कि लेफ्ट और राइट आंख, दाई और बाई। सुधीर भैया के पास तो कितनी सारी है, शरीर की पूरी हड्डियां। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत जमीन से जुड़कर इन्होंने चिकित्सा जगत की सेवाएं अर्पित की है, उनका हार्दिक अभिवादन है, अभिनंदन है। पीछे की पंक्ति में माननीय राजीव गुप्ता जी इस सभागार में है। पाथे संगीत के सम्माननीय संस्थापक आदरणीय श्री मोहन लोथिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। साथ ही देवानंद दीदी इस सभा का मनोहर शुक्ल सर आपसे निवेदन है, आप भी आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। सुशील भैया, आप और आदरणीय श्री डॉक्टर सलभ कुमार यादव जो साहित्य जगत की एक ऐसी प्राणधारा है जिनसे साहित्य जगत का स्पंदन है, वो भी आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं एक और विदुषी, और एक ऐसी विदुषी जिन्होंने ना केवल साहित्य का सृजन किया, कथाओं का सृजन किया, अपितु विद्यार्थियों के अंतर्मन में समाज की मूल्य धारणा, मूल्य भावना को अभिव्यक्त करते हुए उनके जीवन में सर्वांगीण विकास की भावना को भी जागृत किया। वो नाम है परम श्रद्धेया डॉक्टर तनुजा चौधरी जी। हम तालियों के साथ अभिनंदन और अभिवादन करेंगे डॉक्टर तनुजा जी के लिए। निवेदन कर रहे हैं मध्य प्रदेश लेखिका संघ की निदेशक आदरणीय अर्चना मलैया जी, जो पूर्व अध्यक्ष भी है, वो कृपया आए और मंच पर उनको स्थान दिलाने की अनुकंपा करें। सम्मानीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी। इस बीच हमारे मध्य माननीय
श्री लखन राही जी लखन सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। लखन नायक जी और श्री मनोहर चौबे आकाश जी, लखन जी आइए आगे की पंक्ति में। आज हम आपका उल्लेख इसलिए करना चाहिए, आइए थोड़ा सा आप आगे आ जाए, एक मिनट के लिए आ जाए। अधिकार पूर्वक जिनको बुलाया है इसी सभागार में आपकी जीवन संगिनी की एक कृति का विमोचन था, वो विमोचन हुआ उसके दूसरे दिन परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रीमती गायत्री तिवारी जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित थी। दूसरे दिन ब्रेन हेमरेज हुआ, तीसरे दिन उन्होंने जीवन से हम सबसे दूर चली गई। आपकी श्रीमती जी माननीय राजकुमारी नायक बहुत अच्छी कथाकार, वो आज हमारे बीच में वो भी नहीं है, लेकिन लखन जी हर संगीत के कार्यक्रमों में, हर साहित्य के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं। तो आज हम इसलिए याद कर रहे हैं राजकुमारी नायक जी को कि उनकी कथाएं, उनका साहित्यिक समर्पण, त्रिवेणी परिषद या अन्य संस्थाओं के प्रति उनकी आत्मीयता, वो भी स्तुत और अभिनंदनी है। हम हृदय से अभिवादन करते हैं। हवा तो मंच की अनुमति से कार्यक्रम का शुभारंभ करो। हृदय से अभिवादन। पीछे रमाकांत गौतम जी है जो आज के इस आयोजन में पूरे आत्मीय भाव से जुड़े रहे। हमारे बीच में बहुत सारे आत्मीयजन क्रमशः उपस्थित हो रहे हैं और अब कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। 7:20 हो चुका है। अतिथि अभिनंदन, अतिथि स्वागत। सबसे पहले परम श्रद्धेय साध्वी विभानंद जी, विभानंद जी जिनकी आध्यात्मिक साधना, जिनकी समर्पणशीलता, जिनकी ज्ञान धारा से हम सब प्रेरित और प्रभावित हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित सम्मान्य मिथिलेश नायक, रत्ना ओझा जी और उनके साथ हम निवेदन कर रहे हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश वैश्य कृपया आए, सम्मान्य चंद्र प्रकाश वैश्य, आदरणीय सुश्री आशा निछारिया जी, ये मुद्रों की माला से साध्वी विभानंद जी को अभिनंदित करें और शाल समर्पित करें की सम्मान्य साधना साहू जी। सभी मिलकर साधना जी, मंच पर आसीन सम्मान्य आचार्य भगवत दुबे जी, देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक, हम निवेदन कर रहे हैं माननीय यशोवर्धन पाठक जी और आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी के साथ सम्मान्य श्री संतोष शर्मा जी कृपया आए और आचार्य भगवत दुबे जी का शाल से, मोतियों की माला से अभिनंदन करें। शाल समर्पण आसीन है महोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी हो, मंच पर आसीन आचार्य भगवत दुबे जी हो, ये सब परिचय की सीमाओं से परे हम सबके अंतस मन में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए केवल ये कहकर कि हम हरिशंकर जी का जितना भी नाम लेंगे, आचार्य भगवत दुबे जी का जितना भी नाम लेंगे, प्रकारांतर में हम परप्रभु परमात्मा का उल्लेख और स्मरण करेंगे। इस भाव के साथ हम हृदय से अभिनंदन करते मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय श्री राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय श्री सुभाष शैलव जी कृपया मंच पर आए और सम्मानित श्री विजय नेमा अनुज जी, उनके साथ अभय तिवारी जी, आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी का अभिनंदन कर ले। अब डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का
श्री आशुतोष तिवारी जी अलिकांत वर्तिका मंथन गुंजन गुंज जबलपुरी पाके विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध शिक्षाविद हमारे बीच में, उनका अभिनंदन अभिवादन। मंच पर है सम्मान्य डॉक्टर तनुजा चौधरी जी। डॉक्टर तनुजा चौधरी एक प्रतिष्ठित नाम और एक ऐसा नाम जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ समाज को एक सापेक्ष दिशा प्रदान की है। जब आपके समीक्षात्मक आलेखों की चर्चा होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर वो समीक्षात्मक आलेख समादरित और सम्मानित हुए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। आदरणीय मुकुल तिवारी जी मंच पर आमंत्रित है। दीप्ति उपाध्याय शैलजा कृपया मंच पर आए अपनी डांस पार्टी से, और वो अभिनंदन करेंगी माननीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी का। डॉक्टर तनुजा चौधरी मंच पर। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे सम्मानित डॉक्टर तनुजा चौधरी जी का मंच पर। जिनके कारण आज हम सब इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, वो नाम है सम्मानीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू और उपनाम है निर्विकार। तो सचमुच आपका व्यक्तित्व ही निर्विकार, विकारों से परे, धरती की आराधना, मानव मन की आराधना, प्रकृति की आराधना, विषमताओं के प्रति अंतर्मन में आक्रोश और इन सब के साथ साथ एक भाव है, और वो भाव है राष्ट्र का। एक ऐसा राष्ट्र का भाव, प्रश्न है भारत खंडित कब तक, और एक व्यथा है एक कवि की इस देश को लेके, इस देश के उच्चता को लेके, इस देश के प्राचीन इतिहास को लेकर जो दर्द था वो उन्होंने अपनी कृति भारत खंडित कब तक और, ये प्रश्न हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरी कृति है आपकी जाल चौकड़ी का, और जाल चौकड़ी में एक तरफ है संदेश की भारत खंडित कब तक, और दूसरी तरफ जाल चौकड़ी का उसमें संदेश है समाज की विसंगति, विषमताएं, अत्याचार, मन के पाप, मन के विद्रोह, मन की विद्युक्ताएं, इन सब पर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी ने अपने संकेतों के माध्यम से समाज को सापेक्ष दिशा प्रदान की है। तो आज ऐसे व्यक्तित्व का हम अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित आदरणीय श्री गणेश प्यासा जी कृपया आए। सुशील श्रीवास्तव जी, आदरणीय राजीव गुप्ता जी पीछे की पंक्ति में हमारे बीच में है। आदरणीय श्री मनोहर चौबे आकाश, उनके साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं सम्मानीय श्री प्रमोद कुशवाहा कला शासन कला मंडल को, वो आए और आदरणीय सुरेंद्र लाल साहू जी का अभिनंदन करें। सम्मानीय कैलाश साहू जी निश्चल, आदरणीय कैलाश साहू जी भी इस सभागार में सादर आमंत्रित है। मंच पर आदरणीय कैलाश साहू जी, इस सभागार में सम्मानीय अरविंद यादव जी अतिरिक्त कमिश्नर हमारे बीच में इस सभागार में उपस्थित है। एक बार मंच के मध्य में आएंगे और आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी आदरणीय अरविंद यादव जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करेंगे। बात चिकित्सा की चल रही थी तो हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर सुधीर तिवारी जी, हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय सुशील श्रीवास्तव जी से, वो सम्मानीय डॉक्टर सुधीर तिवारी जी का भी मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। प्रोफेसर एच पी पालन सर आइए आइए, प्रोफेसर
भी पालन है। आइए एक मिनट का सेवा निवृत्त प्रोफेसर साइंस कॉलेज जबलपुर, न जाने कितने विद्यार्थियों को आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद संपूर्ण जीवन को गीत संगीत साहित्य समाज सेवा में समर्पित किया है। प्रोफेसर डॉक्टर एच पी पालन सर, एक बार पालन सर के लिए अभिनंदन। जो साइंस कॉलेज के विद्यार्थी है वो डॉक्टर पालन सर को देखकर अंतस्थ उल्लासित होते हैं। आप संगीत के प्रति समर्पित हैं, पूर्व में आपकी अनेक कृतियां पाती है प्रकाशित किए, आपके चिंतन धर्म अध्यात्म और मनन का हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय आशुतोष तिवारी जी और मोहन लोधिया जी कृपया मंच पर आए और स्वागत करें सम्माननीय प्रोफेसर एच पी भैया राज। आवाज आ रही है आपकी। एक भी बात हम बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट में बड़े प्रिय स्टूडेंट है। एक गुरुवर का अभिनंदन, ये देखो बस कर दिया। यहाँ तो तुम बैठोगे ना। पाठ्य संगीत के संस्थापक सम्माननीय मोहन लोधिया जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। और रश्मि पाठक आप आ चुकी है, चलिए प्रतीक रूप से सम्माननीय सात्र साहू जी मंच के मध्य में तालियों के साथ हम अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। आइए मंच के मध्य में। एक निर्विकार है और एक में साधना, दोनों का समन्वय साधना साधु जी समन्वय श्रीमती साधना साधु। और अब आयोजन का शुभ आदर है अपना भैया आ रहे हैं। चलिए अब सम्मान का क्षण बाद में देंगे आपको, थोड़ी सी चर्चा कृतियों पर। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू की जिस दो कृतियों का हम विमोचन कर रहे हैं, तो दो कृतियां प्रभा जी श्रीमती जी बैठ जाए, जिन दो कृतियों का विमोचन कर रहे हो भैया जी, वो दो कृतियां अपने आप में विलक्षण है। जाल चौकड़ी का और भारत खंडित कब तक, और इन दोनों की व्यथा कथा, इन दोनों का दर्शन, इन दोनों का मूल भाव, इस पर सबसे पहले भाव प्रकाश समर्पित करते हैं, हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्माननीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी को। एक रचनाकार कृतियों के संदर्भ में क्या कहते हैं, उनकी सृजन धारा के संदर्भ में क्या कहते हैं सम्माननीय सुरेंद्र लाल साहू जी।